अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, रमज़ान के महीने में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अल्लाह के करिश्मे दिखाई दे रहे हैं। कभी आसमान के नीचे आसमान में चांद के नीचे तारा दिखाई देता है, वो अल्लाह का करिश्मा दिखाई देता है। तो कभी एक पेप्सी की बोतल में, जो पेप्सी की बोतल आती है, जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है माउंटेन ड्यू, उसकी बोतल में उन्हें मीनार दिखाई देता है। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके के वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इतनी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और मुसलमान ही इसको वायरल करते हैं। और एक चीज़ तो मैं जानता हूँ, जैसा कि मुझे लगता है कि कोई भी वीडियो वायरल होने के पीछे मुसलमान का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वीडियो वायरल करवानी हो तो मुसलमान से पंगा ले लो और मुसलमान को या तो इमोशनल कर दो, वीडियो वायरल हो जाएगी। अब मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, एक बोतल के अंदर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, बोतल में जो है लोगों को मीनार दिखाई दे रहा है। और मीनार वो भी ऐसा वैसा मीनार नहीं, गुम्बद खजरा का मीनार। किसी को मक्का मदीना शरीफ दिखाई दे रहा है, किसी को मक्का शरीफ दिखाई दे रहा है, किसी को काबा शरीफ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि लोगों को अपने यहाँ की मस्जिद के मीनार दिखाई देते नहीं हैं, लेकिन मक्का और मदीना की जो है मीनार उनको दिखाई देते हैं। ये जानते कौन से लोग हैं? ये वही वाले लोग हैं जिनके पीर साहब यहाँ से बैठे बैठे अरश मोअल्ला तक देख लेते हैं। हाँ, ये बातें थोड़ी सी कड़वी है, कुछ लोगों को हो सकता है बुरी लगेगी, लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, थोड़ा अपने दिमाग पर भी, अपना थोड़ा सा दिमाग पर जो थोड़ा सा लोड डाला करो, सोचा करो, समझा करो। साइंस भी कोई चीज़ है, थोड़ा दिमाग अल्लाह ने आपको भी दिया है, उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लिया करो यार। क्यों इस्लाम को बदनाम करवा रहे हो यार? दूसरे लोग देख देख के इस्लाम पे हंसेंगे हम लोगों पर कि देखो मुसलमानों को ये दिखाई दे रहा है, मुसलमानों को ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्यों हंसी बनवा रहे हो? हंसी बनवाने वाले कौन है? बनवाने वाले हम ही लोग हैं। मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी। किसी ने बल्ब के सामने इसको रखा तो किसी ने सूरज के सामने रखा, तो ये जो है कोई गुम्बद खजरा का या कोई मस्जिद का मीनार दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि इस बोतल की जो शेप है, इस बोतल का जो डिज़ाइन है, जो आकार है, वही जो है इसमर दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, पानी जो है, किसी भी चीज़ में पानी आप किसी भी चीज़ के सामने करेंगे तो वो लेंस का काम करने लगता है। और इस बोतल में आपने रखा है, ये ग्रीन बोतल है, ठीक है, वाइट होती तो इतना नहीं चमकता, ग्रीन बोतल है, ठीक है। तो इस पर जब उसका अक्स पड़ रहा है तो इसी की जो परछाई है वो उस पर दिखाई पड़ रही है। कोई गुम्बद खजरा का मीनार नहीं दिखाई दे रहा है, ना किसी मस्जिद का मीनार दिखाई दे रहा है। और बेहतर यही होगा कि ऐसे मीनार देखने से आपको कोई बहुत बड़ा सवाब नहीं मिलेगा या जन्नत में आपको मकाम नहीं मिल जाएगा। आप बेहतर होगा कि रोज़, अभी जो रमज़ान चल रहे हैं माशाल्लाह, तो अपनी मस्जिद का मीनार देखें, मस्जिद में जाएं और नमाज पंजगाना की पाबंदी करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिसको मेरी बात समझ में आई है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंशाल्लाह बताएंगे कि मेरा कहना सही है या गलत है। बाकी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आगे शेयर कीजिए और ऐसी किसी भी बात पर, कैसी किसी भी अफवाह को ऐसे वायरल मत कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।